मैडम क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं कमांडो फिल्म को लेकर के? कौन से ऐसे दृश्य हैं जिनका आप लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों ने बॉक्स ऑफिस पर आकर के प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कमांडो फिल्म में एक पहलवानों के लेके शूट किया गया है इन्होंने, जो कि बहुत ही निंदाजनक है, बहुत ही शर्मनाक है वो दृश्य। हम एक नॉर्मल वे में भी उसे नहीं देख सकते हैं, और जो इन्होंने हमारे पहलवानों के ऊपर ये दिखाया है, बहुत ही कड़ी निंदा मैं इसकी करती हूँ। मैं उन डायरेक्टर से और उस एक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन से पहलवान को ऐसा देख लिया करते हुए, या किस पहलवान की छवि ऐसी रही है जो आपने ऐसा सोचा भी? आपकी सोच को ही मैं निंदा करती हूँ उस पे, क्योंकि हमारे पहलवानों ने अभी तक बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे उन्होंने मेडल जीते हैं, हमारे देश का तिरंगा उन्होंने लहराया है। और यही कहना चाहूंगी कि ये फिल्म में से या तो ये सीन कट जाए, या आज हम ये मूवी नहीं चलने देंगे पूरे मेरठ में, जहाँ जहाँ पे ये मूवी लगी हुई है। मेरे सारे पहलवान मेरे साथ हैं, पूरा सपोर्ट है मेरे पहलवानों का, मेरे और भी बड़े मेरे साथ आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये मूवी बंद हो जाए पूरी, और जो हमारा हमारे पहलवान है, इनको क्या पता पहलवान है क्या? उन्होंने तो बस एक शूटिंग थी वो करके छोड़ दिया। पहलवानों से इनसे पूछो कैसी हालत, देखो एक बार कैमरा इधर घुमाओ, इनका शक्ल देखो, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, और आपने एक सीन में दिखा दिया कि पहलवान ऐसे होते हैं। ऐसी क्या परेशानी निकाली जी? मैंने जैसे बताया कि हम अपने देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपना तिरंगे के लिए मेहनत कर रहे हैं, आन बान शान के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस तिरंगे पे बात आई है, उस आन बान शान पे बात आई है, तो हम सामने आए हैं। मुझे भी बहुत लेट पता लगा, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो वगैरह देखी है, मुझे बहुत लेट पता लगा। और जैसे कि उसमें दिखाया कि एक पहलवान एक नाबालिग लड़की को छेड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है एक किसी के लिए भी। पहलवान तो बहुत अलग चीज हो गई है, किसी एक नॉर्मल इंसान के लिए भी एक नाबालिग लड़की है जो स्कूल से निकलती है, उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता है वो, अश्लील हरकत वो दिखाई गई है, तो बहुत ही घटिया तरीके से वो दिखाया गया है। तो मेरे से तो रुका नहीं गया, इसलिए मैं आज तक कभी भी किसी उसमें नहीं आई हूँ, ना मैं पढ़ती हूँ, ना मुझे शौक है इस तरह से आने का। लेकिन जब मेरी कुश्ती पे बात आ गई, मेरे रोजी रोटी पे बात होगी, क्योंकि मेरा कुश्ती से नाम है, कुश्ती से मेरी पहचान है, तो मैं उसको नहीं सहूंगी बिल्कुल भी। अच्छा, सिनेमा प्रशासन से आपकी क्या बात हुई और क्या डिमांड रखी, क्या वादा किया जी? मैनेजर आए हैं ये सिनेमा घर के, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये मूवी बंद हो जाएगी आज, और नहीं होगी हम 4 बजे फिर आएंगे, 4 बजे का शो है, तो हम बिल्कुल इसी तरह से सारे पहलवान हमारे इकट्ठा होंगे और ये मूवी को हम चलने ही नहीं देंगे। दिल्ली हरियाणा बंद हुई है भाई। अब हमारे युवा हमारे पहलवान आ रहे हैं, उनके लिए गलत मैसेज जा रहा है, ओलंपिक हमारे पहलवान उनकी फैमिली को गलत मैसेज जा रहा है। अपने सम्मान के लिए भी ठीक है, और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। आज तक आपने दंगल मूवी देखी, सुल्तान मूवी देखी, उसमें क्योंकि ये मैसेज तो दे रहे सबको कि आप मूवी देख के अच्छा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो हमारी इस मूवी में जो है छवि खराब दिखाई जा रही है, तो हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे। हमारे सारे पहलवान जो बिल्कुल दिल्ली में बैन हो गया, मुजफ्फरनगर में बैन हो गया, हरियाणा में बैन, क्योंकि हम क्यों चले दें, ऐसा मैसेज क्यों जाने दें सर, ये तो बताओ भाई। मैंने मेडल जीता है, अपने देश के लिए जीता है, आप सबका सम्मान हुआ है उसमें, और तो हमने ऐसा काम थोड़ी ना किया है कि हम अपनी बहन बेटों को छुड़वाएं उनसे, या पहलवानों को ऐसे क्यों बना रहे हो आप, ऐसा रोल क्यों दे रहे हो? सम्मान करो, सम्मान करो जी, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि ये हमारे सभी पहलवान हैं, ये भी हमारे मैनेजर वगैरह हैं, सब।